दोस्तों, क्या आपको पता है एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसकी मदद से आप चुटकियों में ये पता लगा सकते हो कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है या सच। आपने लव और प्यार ये शब्द शायद लाखों बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है इसका रियल मतलब सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। क्या आपको पता है लेजीनेस यानी आलस एक अच्छी निशानी होती है जो आपकी ग्रोथ करता है। और तो और, कॉलरोफोबिया एक ऐसा फोबिया है जिसमें लोगों को जोकर से डर लगता है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आप आज जानेंगे। सो फैक्ट नंबर 10, सच और झूठ का पता लगाना। दोस्तों, आज के इस अनसर्टेन जमाने में ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि कोई झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक साइकोलॉजिकल ट्रिक की मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि कोई झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो दोस्तों, सच और झूठ का पता लगाने के लिए आपको जो इंसान बोल रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज पर नजर रखनी चाहिए। साइकोलॉजी के मुताबिक जो इंसान बोलते वक्त ज्यादा हाथ हिलाता है या इशारे करता है तो उसके सच बोलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो इंसान बिना सिर हिलाए या कोई इशारा करे और एकदम स्टेबल होकर बातें करता है तो उसके झूठ बोलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी के हिसाब से जो इंसान बहुत जल्दी जल्दी बातें करता है वो अक्सर अपने दिल में ग्रजेस रखता है और ऐसे दिखाता है कि जैसे वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है। नंबर 9, खुद की इम्पोर्टेंस। आपने हर किसी से सुना होगा कि हमें सब चीजों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं एक इंसान को अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस तीन चीजों को देनी चाहिए। पहली खुद को, दूसरी अपनी फैमिली को और तीसरी अपने करियर को। आखिरकार यही तीन चीजें आपकी जिंदगी को आकार देती हैं और उसे साकार बनाती हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक ये तीन चीजें ही इंसान को असल खुशी देती हैं। जब इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है या फिर उसके पास फैमिली और अच्छा करियर नहीं होता है तो वो सबसे ज्यादा बर्बाद महसूस करता है। जो लोग इन तीन चीजों को इम्पोर्टेंस ना देकर बाकी चीजों पर फोकस करते हैं वो कभी खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि अच्छे कपड़े तो आपको कुछ दिन तक तो खुशी देते हैं लेकिन उनसे सारी जिंदगी नहीं कटती है। इसीलिए दोस्तों, आपको हमेशा अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपने करियर को अहमियत देनी चाहिए। जब आप इन तीनों चीजों को इम्पोर्टेंस देंगे तो बाकी चीजें अपने आप सेटल होने लग जाती हैं। नंबर 8, दुश्मनी। क्या आप जानते हैं कि दुश्मनी का असल मतलब आखिर क्या होता है? दोस्तों, दुश्मनी सिर्फ वो नहीं होती है जो किसी को मारने या किसी को बुरा कहने से होती है, बल्कि दुश्मनी बहुत तरह की होती है। लोग तो अक्सर एक दूसरे से अच्छे लुक्स और अमीरी की वजह से भी दुश्मनी कर लेते हैं। अब तो हाल कुछ ऐसा है कि लोग अपने ही रिश्तेदारों की कामयाबी से जलने लगे हैं और मन ही मन दुश्मनी पाल लेते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी के मुताबिक अगर आप कभी सच बोलते हैं या किसी के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं या फिर किसी को समझाते हैं कि वो गलत है तो इस तरह की सिचुएशन में भी लोग आपको दुश्मन मानने लगते हैं। तभी ऐसा कहा जाता है, आपके पेरेंट्स के अलावा आपका कोई भी सगा नहीं होता है। वैसे साइकोलॉजी के मुताबिक हमेशा सच और सही का साथ देने से आपके दुश्मन तो बहुत बनते हैं लेकिन आपको इनर सेटिस्फेक्शन रहता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं। नंबर 7, कपड़ों और मूड का कनेक्शन। आप रोज कपड़े पहनने से पहले अपनी अलमारी में से कपड़े निकाल कर सेलेक्ट करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कपड़े सेलेक्ट करने के पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन होता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। आप रोज किस तरह के कपड़े पहनते हैं इससे आपका मूड पता चल जाता है। अच्छे कपड़े पहनना और अच्छा दिखना सभी को पसंद होता है, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है जब आप बहुत खुश होते हैं तो अक्सर अपनी पसंदीदा ड्रेस पहनते हैं और वहीं दूसरी तरफ जब आपका मूड अच्छा नहीं होता है तो आप कुछ भी कैजुअल सा निकाल कर पहन लेते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक कपड़े इंसान की खुशी को जाहिर करने का एक तरीका होता है। यही वजह जब कोई मर जाता है तो सादा और सिंपल कपड़े पहने जाते हैं और जब किसी की शादी होती है तो रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते हैं। आप भी अपनी जिंदगी में रोज अपने मूड के हिसाब से ही कपड़े पहनते होंगे लेकिन आपने इस बात पर कभी गौर नहीं किया होगा। नंबर 6, क्या सच में लड़कियां लड़कों से ज्यादा इमोशनल होती हैं? आज के मॉडर्न जमाने में हम सभी मेल और फीमेल के बीच इक्वालिटी की बातें करते हैं लेकिन इसके साथ साथ हम लड़कों से ये भी उम्मीद करते हैं कि वो कभी भी रोए ना। क्या आपको ऐसा सही लगता है? इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि बॉयज की तुलना में गर्ल्स बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं और रोने लगती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बॉयज इतनी जल्दी क्यों नहीं रोते हैं, जबकि फीलिंग्स तो बॉयज और गर्ल्स दोनों में इक्वली ही होती हैं? चलिए हम आपको बताते हैं, असल में दोस्तों इसके पीछे भी साइकोलॉजी होती है। दरअसल साइकोलॉजी के मुताबिक लड़कों को बायोलॉजिकली ही नेचुरली इमोशंस को हैंडल करना आता है और लड़कों के अंदर अपने आंसुओं को रोकने की क्वालिटी भी होती है। इसके अलावा अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम सभी लड़कों से ये उम्मीद करते हैं कि वो कभी रोए नहीं। हमारे सोसाइटी का मानना है कि रोने वाले लोग कमजोर होते हैं और ये सोच बचपन से ही लड़कों के दिमाग में डाल दी जाती है, जिस वजह से लड़के बचपन से ही खुद को इमोशनली स्ट्रांग बना लेते हैं। जबकि साइकोलॉजी के हिसाब से रोने का किसी के कमजोर या मजबूत होने से कोई रिलेशन नहीं होता है, बल्कि साइकोलॉजी के मुताबिक रोने से दुख कम होता है और इंसान रिफ्रेश हो जाता है। नंबर 5, लेजीनेस, आलस। आज की इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में भी अधिकतर लोगों को बहुत आलस आता है। हमारे बड़े हमें हमेशा कहते हैं कि बच्चों में तो फुर्ती होनी चाहिए, तुम इतने यंग होने के बाद आलस कैसे दिखा सकते हो? लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं
साइकोलॉजी के मुताबिक लेजीनेस टीनेज उम्र के हिस्से का ही एक पार्ट होती है। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि आलसपन असल में टीनेजर्स की ग्रोथ का ही एक साइन होता है। इस लेजीनेस के पीछे असल में बहुत सी वजह होती है, जैसे स्कूल की थकावट और पढ़ाई का प्रेशर। वहीं दूसरी तरफ बड़े लोगों को लगता है कि टीनेजर्स हमेशा खाली और टेंशन फ्री होते हैं, इसीलिए उन्हें हमेशा फ्रेश और फुर्तीला रहना चाहिए। जबकि स्टडीज के मुताबिक 14 से 22 साल की उम्र के लोगों को सबसे ज्यादा टेंशन होती है, जैसे स्टडीज, लव, करियर और फेम। इसीलिए दोस्तों, आपको टीनेजर्स को आलसी कहने की जगह उन्हें हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। नंबर 4, जिद, गुस्सा, गलती और अपमान। जब कोई भी चीज हमारे फेवर में होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, वहीं अगर वो चीज किसी और के फेवर में हो तो हमें बहुत बुरा लगता है। ऐसी ही कुछ चीजें होती हैं अपनी जिद, गुस्सा, गलती और अपमान। ये वो चार चीजें हैं जो अगर इंसान खुद करता है तो उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब यही चीजें कोई और हमारे साथ करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, साइकोलॉजी के मुताबिक जब कोई इंसान खुद किसी बात की जिद, किसी चीज के लिए गुस्सा, कोई गलती या अपमान करता है तो उसे लगता है कि वो सही है और बाकी सब गलत है। और वहीं जब कोई दूसरा इंसान ऐसा करता है तो उसे इरिटेशन होने लगती है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि इंसान अपने लिए तो सारी सहूलियत रखता है, लेकिन किसी और को ऐसा नहीं करने देते, जैसे एग्जाम्स में चीटिंग करना। नंबर 3, इमोशनल पेन। दोस्तों, पेन फिजिकल हो या इमोशनल, दोनों में ही बहुत तकलीफ होती है। लेकिन ये भी सच है कि फिजिकल और इमोशनल चोट वक्त के साथ साथ कम और ठीक हो जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि इमोशनल पेन तो कभी खत्म ही नहीं होता है, वो हमेशा आपको दुख देता रहता है, लेकिन ये सच नहीं है। साइकोलॉजी के मुताबिक इमोशनल पेन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 12 दिन तक ही रहता है। वो तो इंसान खुद ही उस बात को बार बार याद करते हुए और सोचते रहते हैं कि उसने हमें बहुत दुख दिया है, जबकि असल दर्द तो हमें खुद अपनी वजह से बातें याद कर करके हो रहा होता है। अगर आप इस इमोशनल पेन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको उस बात को भूलना होगा जिससे आपको तकलीफ हो रही है। नंबर 2, कोलरोफोबिया। इंसानों को बहुत सी चीजों से डर लगता है और हर एक डर का अपना एक पर्टिकुलर नाम होता है। ये डर किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे वो भीड़ से लगे या फिर किसी फनी से दिख रहे जोकर से लगे। क्या आप जानते हैं, जोकर से लगने वाले डर को असल में कोलरोफोबिया कहते हैं। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल डर होता है जिसमें लोगों को जोकर से बेहद डर लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसको भी ये फोबिया होता है उन्हें जोकर देखने और बल्कि जोकर के बारे में सोचने से भी डर लगता है। और तो और, अगर कोलरोफोबिया वाले लोग जोकर को देख भी लेते हैं तो उन्हें स्ट्रेस होने लगता है और फीवर तक आ जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये डर बचपन के बुरे एक्सपीरियंसेस की वजह से लोगों को होता है, और कई बार इस तरह के फोबियाज जीन से भी ट्रांसफर हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 1, लव। प्यार के मायने सभी लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। कोई इंसान केयर करने को प्यार कहता है तो कोई किसी के अंडरस्टैंडिंग को प्यार समझता है। इसके अलावा एक प्यार वो भी होता है जब आपको कोई बिना वजह ही बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्यार के पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन होता है। जी हाँ, ये सच है। असल में जब आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो आपकी बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे इंसान को सामने वाले की आवाज, लुक्स, एक्शंस और स्मेल बहुत अच्छी लगने लगती है, जिसके बाद इंसान को लगता है कि काश ये इंसान मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, और इसी को लोग प्यार का नाम देते हैं। जबकि साइकोलॉजिकली तो ये एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।